আমি ভালোসে গড়িয়ে নেবা ও গ্যাসটা অফ করে নেবা। নমস্কার, মুঁ সুবর্ণা স্বাগত করছি আপনার সমস্ত ওড়িয়া রোষেয়ে। আজ আমি বনাইবা পটল পনির, সেটা পুরো বিনা পিঁয়াজ রসুণের। আউ এটা দেখলে কেহি বি কহিপারিবেনি কি আজ এটা আমি বিনা পিঁয়াজ রসুণের বনাইছে। আগর মধ্যে এতে মোর বহুত গুড়ে পনির রেসিপি অলরেডি পোস্ট হয়েছি, যার লিঙ্ক আপনার ভিডিওর ডেসক্রিপশন নাহলে ভিডিওর এন্ডে মধ্যে মিলিযিব। তবে চালন দেখি নেবা আজর রেসিপি। नुआ नुआ ओडिया रोसेर वीडियो देखिया पई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर दिया बेल आइकन को भी दबे दियंतु। पोटल पनीर बने पई एठो मो 250 ग्राम पनीर को बिल्कुल छोटा आकार काटि के नेछि, 1/2 किलो पोटल को एठो मो रेछा आकार काटि के नेछि, 1/2 किलो आलू को मध्ये एठो मो बिल्कुल छोटो साइज काटि छि, 4टा एठो मो नेछि तेजपत्र आ उड नेछि एठो मो खंडे दालचीनी को, 5 बड़ चामच चारमगज को पानी रे 10 रु 15 मिनट हम भिजे के रखी थी। तापर आपको एथरा में टिके पानी को देके रोड फाइन पेस्ट बने ने छे। 3टा टमाटर को इटे मु ग्राइंड करके ने छे, 2टा कंचा लंका खंडे बड़ अदा को मधे इटे हम ग्राइंड करके ने छे, स्वाद अनुसार लूण आ हाफ चामच हल्दी गुंडा ने छे। लेटेस्ट पिक्चर न्यू रेसिपी रेसिपी टिप्स आउ आपनकर रेसिपी रिलेटेड जे कोनसी क्वेश्चन द सॉल्यूशन पई हम इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करंतु आउ लिंक आपनको डिस्क्रिप्शन में मिल जइबो। एठी मु गैस कोन करकी बडे करै बस नीचे आ करै रे 5 बडा चम्मच दे दिछु मु रिफाइन तेल को। एबे एथरा में हल्का पनीर को टिके भाजी नबा। तो देखुंथे एठी हमर पनीर को भाजीया गोटे मिनट हे सालानी आ पनीर रो कलर एठी हमर टिके गोल्डन ब्राउन हे सालानी। आउ टिके समय एटा हमें गोल्डन ब्राउन कर लेमा, तापर आपको हमें काढ़ी नबा। तो देखो पनीर टी हमर बहुत भल से भाजी गला, आठ अधिक एटा हमें भाजी बनि बेटा को हमें गोटे प्लेट को काढ़ी नबा। तो देखो एटा हमें पनीर को भाजी के काढ़ी नै छे, आ बाकी थिबा तेल रे हमें दे देबा पोटल को। कड़ी रे एबे मु पोटल को दे दी छी, आलू को मध्ये दे देबा हाफ चमच टी कम हम लुण को आड करके गोटे थर आम भलसे गोल कवर करके छाड़ ना मीडियम आंच रे 2-3 मिनट मझे मझे आपट सपट उल्ट पाल्ट करेंगे जहाँद्वारा कि दुईपट साइड भलसे गोल्डन ब्राउन हो जाए और बहुत भलसे सीझी जीव। तो देखते ये आम आड़ पोटल टी बहुत भलसे भाजी हो जाए और कलर चेंज हो जाए। तो आम गोटे प्लेट को काढ़ ना और तरकारी बनवा स्टार्ट करवा। तो सेम जगह आम देद खंडे डालचीन आ तीनोटा तेजपत्र को आगु छेक रखी अदा कंचा लंका को देदेबा। ये सब कुछ भलसे भाजी नवा गैस आंसू की बिल्कुल मीडियम रखा आ 2 मिनट आपको आम भलसे भाजी नवा। तो ये आम भलसे भाजी हो गला, एमद टमाटो प्यूरी को टमाटो प्यूरी को देखिए आपको आम भलसे भाजी नवा कषि नवा जोड़ा बोल के टमाटर कंचा स्मेल टी न जाए। ये गोटे बड़ चमच धनिया गुंड आ हाफ चमच ये दबा जीरा गुंड स्वाद अनुसार लुण को ऐड करवा सब कुछ भलसे गोल। तो देखो फ्रेंड्स ये आम मसलू तेल छाड़ा स्टार्ट है। तो यही समय रे एथि हमें दे दबा आगु भाजिकी रखी आलू आ पोटल को। एबे एथि हमें पनीर पाउडर करिबनी आलू पोटल को देकी आ तम 3-4 मिनट पई मीडियम आंच रे भलसे कसि नबा कवर करिकी। तो एबे एडा को एमते कसिबा हमर 2-3 मिनट हो जाय छी, एबे एडा को हम कवर करिकी छाड़ नबा मीडियम आंच रे आबे 2 मिनट पई। तो देखुनु एबे एडा को हम कवर देकी आ तम छाड़ा 2 मिनट हो सारी तेल मध्य बाहरी जाए। आगे भाजिक रखी पनीर को देद पनीर को देखिए गोटे मिनट एम भाजी ना कषि ना जहाद्वारा कि पनीर सब मसला गुड़िक बहुत भलसे मिसी थी। तो आलू पोटल साइड पनीर टी बहुत भलसे मिसी जाए। अल्प टिके पानी को एड कर एठ मो हाफ ग्लास टिके कम हम पानी को ऐड कर पानी टी आम टिके फुटी आसले आगु बाटिक रखी थी चारमगज को एथरे आमे दे दबा। पानी टी मधे एबे आमर भलसे फुटी आसलानी, एबे एथरे आमे चारमगज रो बट्टा को दे दबा। चारमगज रो बट्टा को दे आपको आमे भलसे गोळे नबा आ एबे आपको आमे कवर करिबानी
2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ କମ୍ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନିକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚିନିଟି ଆମର ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ରେଡି, ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆମର ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ। ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲାକୁ ବି ଆଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ କାମକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପନିର ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଘରେ ଏଭଳିକା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପନିର ପୋଟଳ ତରକାରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। We must merely make a start. Savannah, ah.